मॉल और होटल में पिछले लंबे समय से चोरी की वारदातें होने की घटनाएं सामने आई हैं, लेकिन जिन चोरों की ओर से इन वारदातों को अंजाम दिया जा रहा था वो पुलिस की गिरफ्त और पहचान से बाहर थे। लेकिन अब पठानकोट पुलिस ने एक महिला की सीसीटीवी फुटेज जारी की है, जिसमें दिखाई दे रही महिला ने पठानकोट के ही एक मॉल में शॉपिंग करने पहुंची एक महिला का पर्स चोरी कर ली और मौके से फरार होगी। पर्स को चोरी करते और मॉल से बाहर जाते हुए इस महिला की पूरी तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में कैद होगी, जिसके आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज किया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। 3 बजे मैं नॉवेल्टी मॉल अपने बच्चों के साथ गई थी, साथ में मेरी पूरी फैमिली भी थी, और हम फन जोन में जैसे एंटर किए, डायरेक्ट हमने फन जोन में एंटर किया और 5-7 मिनट के बाद, अभी सिर्फ 5-7 मिनट हुए थे, उसी दौरान एक लेडी वहाँ पे एंटर हुई है। मैंने साथ में ही ना वहाँ पे एक स्टूल पड़ा हुआ था, उसके ऊपर अपना पर्स रखा, तो थोड़ी देर बाद जैसे मैंने अपना पर्स उठाने लगी हूँ तो देखा तो मेरा पर्स वहाँ से गायब था। उसी दौरान हमने फन जोन के जो वहाँ पे जो काउंटर पे जो लड़की थी उसके साथ हमने डिस्कस किया, तो उसने बोला कि आप, मैं अभी सीसीटीवी चेक करती हूँ। जैसे उसने सीसीटीवी का फुटेज चेक किया तो वहाँ से हमें क्लियर हुआ कि वहाँ से एक लेडी और उसका बच्चा था साथ में, वो पर्स उठा के भाग गई है। दो लेडीज सी, एक लेडी ने बच्चे को पढ़ाने वास्ते चली गई अपने जरा प्लेइंग बनाया था उन्होंने कोर्ट, और दूसरी जी जो उन्होंने देखा वो परस उत्थ रख दिता है, और दूसरी लेडी जी उ अपने बच्चे हुई सी, वो जो लेडी वापस मुड़ के आई है तो उन्हें देखा भी वह परस नहीं है, तो उन्हें शक होया कि मेरा परस जो दूसरी लेडी चुके लग गई है। वो हूँ कि आप जो फुटेज कटाई है सीसीटीवी ने उस लेडी आ रही है तो दस दिता है, जो भी अगर जल्दी जल्द पता लगा लेंगे। जागृति लहर के लिए पठानकोट से अरविंदर सिंह की रिपोर्ट।